हंगरी में आबादी का जबरदस्त संकट है, यानी वहाँ जनसंख्या ज्यादा नहीं बेहद कम है। ऐसे में वहाँ के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने अपने देश में आबादी बढ़ाने के लिए एक अनोखे 7 सूत्रीय फैमिली प्रोटेक्शन एक्शन प्लान की घोषणा की है। इस योजना के चलते हंगरी की 4 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को आजीवन आयकर नहीं देना पड़ेगा। साथ ही योजना में लोगों को शादी करने और परिवार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम भी शामिल किया गया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री ऑर्बन का मानना है कि अगर देश को प्रवासियों पर निर्भर होने के खतरे से बचाना है और हंगरी का भविष्य सुरक्षित रखना है तो यही एकमात्र तरीका है। ऑर्बन को दक्षिण पंथी राष्ट्रवादी और देश में मुस्लिम प्रवासियों का विरोधी माना जाता है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक हंगरी की आबादी प्रति वर्ष 32,000 की दर से घटती जा रही है। बताया जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन देशों की तुलना में हंगरी में महिलाओं के बहुत कम बच्चे हैं। इसी वजह से इस योजना के तहत ये भी कहा गया है कि यहाँ ऐसे दंपतियों को $36,000 तक का लोन बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे परिवार को 7-सीटर कार खरीदने में सब्सिडी भी दी जाएगी। लाभ मिलने का ये कार्यक्रम पहले से ही शुरू हो जाएगा। कामकाजी महिलाएं बच्चों की जिम्मेदारी संभालने से न कतराएं, इसके लिए 21,000 क्रच खोले जाने की भी घोषणा की गई है। हंगरी के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रवासियों पर नहीं हंगेरियन बच्चों पर निर्भर हो। विक्टर के अपने भी 5 बच्चे हैं। आपको बता दें कि हंगरी में महिलाओं की औसत प्रजनन दर महज 1.45 है, जो औसत EU के औसत 1.58 से भी कम है। वैसे इस समस्या से जूझने वाला हंगरी अकेला नहीं है, उसका पड़ोसी देश सर्बिया भी तेजी से घटती आबादी का शिकार है। वहाँ की आबादी 7 लाख और औसत उम्र 43 साल है। सर्बिया ने भी मार्च महीने में नई माओं को पहले बच्चे पर $956 का भुगतान किए जाने, दूसरे बच्चे पर $96 और तीसरे चौथे बच्चे पर कुछ भी रकम दिए जाने की घोषणा की थी। वैसे यूरोप में सबसे कम प्रजनन दर इटली की है। यहाँ भी आबादी बढ़ाने के प्रयास में महिलाओं को हर बच्चे के पैदा होने पर $90 का भत्ता दिया जाता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।